शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित होता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शनिदेव न्यायप्रिय देवता कहे जाते हैं और वह मनुष्य के किए कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, इसलिए उन्हें दंडा अधिकारी भी कहा जाता है। कहते हैं शनिदेव की कृपा जिस पर हो जाए वो व्यक्ति फकीर से राजा बन जाता है, और इसके विपरीत शनि की क्रूर दृष्टि जिस पर पड़ जाए वो व्यक्ति कंगाल हो जाता है। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन है जब आप शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस दिन कुछ ऐसे काम भी है जिसे करने से लोगों को बचना चाहिए। कि शनि देवता हमारे कर्म का परिणाम फल देते हैं, फ्रूट देते हैं। यदि आप अपने शनि को ठीक रखना चाहते हैं तो शनि भगवान का कुछ कारकत्व पर अधिकार है, जैसे दुख पर है, रोग पर है, कष्ट पर है। कोई दुखी हो, कोई रोगी हो, कोई कष्ट में हो, अगर आप उसकी मदद कर देते हैं तो शनि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा, शनि भगवान का अधिकार क्या है? न्याय पर है, न्याय प्रिय है, वह न्याय देते हैं, न्याय प्रदाता है। तो हमको शनिवार के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमको न्याय करना चाहिए, हमको न्याय प्रिय होना चाहिए, हमें सदैव सत्य का साथ देना चाहिए। मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी, दशम भाव काल पुरुष की कुंडली में कर्म है और एकादश भाव लाभ है। जो कर्म हम करेंगे उसका परिणाम, जो भी कर्म हम करेंगे, कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फले सुकदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु संगो सत्कर्मणि। भगवान ने कहा कि कर्म करो, कर्म फल की चिंता मत करो, फल फल के प्रदाता भगवान शनि है। तो इसलिए हमको शनिवार के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। शनि भगवान, अगर शनि गड़बड़ है तो व्यक्ति मध्य मांस मदिरा की ओर जाएगा। अगर हमें अपने को अच्छा रखना है तो शनिवार के दिन मध्य मांस और मदिरा का त्याग, शनिवार ही नहीं किसी भी दिन हमें मध्य मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शनिवार के दिन मध्य मांस मदिरा का सेवन कर रहा हो तो जब भी अमावस्या हो शनिवार के दिन बटुक भैरव के मंदिर में जा करके अगर शराब वह चढ़ा देता है तो उसकी यह शराब जैसी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात है, शनि भगवान लोहे में वास करते हैं तो शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए। लोहा जो है हमारे लिए हानिकारक होता है। लोहा है क्या? ये सुख की वस्तु है, किसी सुख की वस्तु में हम उसका प्रयोग करते हैं। इसका संबंध चतुर्थ भाव से होता है और इसका कारकत्व तो शनि को जाता है, तो शनि दशम स्थान में होने के कारण कहीं न कहीं से वह प्रभावी करेगा चतुर्थ भाव को। इसे शनिवार के दिन लोहा हमें नहीं खरीदना चाहिए।